नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, इसमें रोज हम आपको बताते हैं सत्ता के अंदर के गलियारों में क्या चल रहा है। और अब तो देखिए चुनाव हो गया पूरा, कल पड़ जाएगा आखिरी वोट, सारे नतीजे डब्बे में बंद। 1 तारीख को हम खोलेंगे थोड़ा थोड़ा और 4 जून को आपको सब चल जाएगा पता। उससे पहले सवाल एक ही, मोदी जी आ रहे हैं या मोदी जी जा रहे हैं? सवाल और कोई देश में था भी नहीं, ऑनेस्टली क्या था और सवाल? आरक्षण, राशन, राम मंदिर, ये सब तो कभी इधर कभी उधर हवा बना रहे थे, ये बात सही है, माहौल बनाया सबने, लेकिन मूल प्रश्न तो एक ही था, देश में मोदी तीसरी बार या मोदी इस बार नहीं। इस सवाल का जवाब आपको कल भी मिल जाएगा, 1 तारीख को जब आप सुबह से लगाएंगे इंडिया टीवी और जब से इलेक्शन कमीशन हमको इजाजत देगा उसके बाद से हम आपको नंबर बताना शुरू कर देंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहीं इधर उधर भटकिएगा मत, इंडिया टीवी ट्यून कीजिए और देखिए कल का पूरा दिन आप एग्जिट पोल। और उस एग्जिट पोल से पहले हमारे यहाँ मेहमान जो है अपना एग्जिट पोल पहले निकाल चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्वागत आपका, राहुल महाजन साहब बहुत स्वागत राहुल जी आपका, समीर जगांवकर साहब हमारे, समीर जी बहुत स्वागत आपका भी। और आज आप लोगों ने जो मुझसे कहा मैं बता देता हूँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आज दंड दिया जाएगा। ये 3 दिन नहीं थे, आप लोगों ने कहा हर्षवर्धन जी कहाँ चले गए हैं वो तो ये बताएंगे, लेकिन आपको आज 3 मिनट गर्मी में खड़ा रहना पड़ेगा, ये आपका दंड है आज का। यहीं आप सेट पर 3 मिनट और खड़े होंगे, ठीक है? ठीक है, आपको नारियल पानी पिलाएंगे लेकिन 3 मिनट आपको ये दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो मतलब इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो मतलब इसमें कोई इफ बट वाला मसला नहीं। तेरा तो कहाँ घूम के आए आप, क्या खबर लेके आए ये बताइए। नहीं देखिये, मैं तो काशी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। और काशी कहते हैं ना कि वैसे तो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, अनंत है, जिसको कहते हैं ना कि अक्षुण्ण है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। जो हम लोग हिंदू मान्यता रखते हैं कि प्रलय भी हो जाएगी तो भोले बाबा की नगरी तो बची रहेगी। उस नगरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हो रहे हैं और राजनीतिक अर्थों में भी कहा जाता है कि काशी से पूरे पूर्वांचल का भी पता चलता है। अब पूर्वांचल का पता चलता है तो वो 13 सीटें हैं जो आखिरी चरण वाली हैं, 1 तारीख है। और मैं ये कह सकता हूं कि वहां भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी समय में जाते नहीं दिखे, लेकिन वहां हर रात अमित शाह लौट रहे थे, वहीं आ रहे थे, उनका ठिकाना वो काशी बना हुआ। किसी ने मुझसे कही, अरे मोदी जा ही नहीं रहे बनारस, तो वो ठिकाना बना हुआ था। और जो ये 13 सीटें हैं उसके जो नट बोल्ट कुछ ढीले पड़े थे ना, उसको अमित शाह ने साम दाम दंड भेद, अच्छा, हर तरह से निपटाया है। और जब साम दाम दंड भेद कहते हैं तो उसमें एक सीट जो है गाजीपुर की, उसमें भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जब प्रत्याशी घोषित हुआ था तो हम ही लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने भी कहा था कि उतना मजबूत प्रत्याशी नहीं है, संघ के प्रचारक हैं, स्वयंसेवक हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की भूमिका में पारसनाथ राय रहते थे, पीएन राय, लेकिन अब वो समीकरण बदले हैं। और ये मतलब कम से कम 3-4 दिन काशी रहने के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ पूर्वांचल सेट बीजेपी, मुझे लगता है पूरी तरह से। चलो ठीक है, वैसे आपको आज हम बात करेंगे कल जहाँ चुनाव होना है उन सीटों की, वही इन 13 में से 11 सीटें भाजपा की थी कल जहाँ चुनाव हो रहा, जहाँ की खबर हर्षवर्धन जी लेकर के आए कि बीजेपी ने जो है इस बार मामला अपना सेट कर लिया। लेकिन व्यूअर्स, उससे ज्यादा क्या चल रहा है इस वक्त देश में, जब एक दिन पहले, बस कल हम आपको एग्जिट पोल बता देंगे, कल हम आपको, कल पहले चरण पूरे चुनाव की वोटिंग खत्म हो जाएगी 7 चरणों की। देश में चर्चा इस बात की है कि मोदी चुप क्यों हैं, मोदी चुप क्यों हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मोदी जी ध्यान करने क्यों चले गए, विवेकानंद रॉक पर ध्यान, मंडपम में ध्यान लगा रहे हैं मोदी जी कल से और कल तक वो वहीं रहेंगे, तो लगभग 2 दिन मोदी ध्यान में बैठे हैं। और यहां देश भर में विपक्ष कह रहा है ये कैसा प्रचार है, ये तो प्रचार हो रहा है, गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, चुनाव आयोग इसके ऊपर रोक लगा, पूछे कोई आदमी कुछ बोल नहीं रहा, आदमी खामोश है, चुपचाप जाके एक जगह बैठ गया है। फिर किसी ने कहा कैमरे हटाओ, कैमरे में मोदी दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल ये तो प्रचार हो जाएगा। अरे अब राहुल गांधी खड़े हो जाए कहीं पानी के प्याऊ पे, पानी पिलाने लगे लोगों को, कोई मना कर देगा क्या? सारा कैमरा, पूरा मीडिया चला जाएगा भाई। गर्मी में अच्छा है आइडिया, आप अच्छा दे रहे हैं। अरे भाई हम लोग सब जगह छबील के वो टेंट लगते हैं कि नहीं लगते गर्मियों में, ठीक बात, आप लगा दीजिए जाकर कि आप पानी परोसिए लोगों को, पानी पिलाइए लोगों को, कौन मना करता है आपको? मीडिया, राहुल गांधी खड़े होंगे तो मीडिया नहीं आएगा क्या? लेकिन ये दिक्कत इस बात के, ये दिक्कत मोदी जो कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो मोदी सोच ले रहे हैं वो आप क्यों नहीं सोच रहे भाई? मैं कहता हूं मान लीजिए मोदी प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने का एक तरीका है कि मैं तो ध्यान लगाने बैठा हूं, मीडिया आए ना आए अब मुझे मालूम है, आएगी दिखाएगी टीवी पे चलेगा, आप कर लेते, आप कहीं और चले जाते, आप मीडिया अपनी तरफ खींच ले जाते, तो लड़ाई सारी नैरेटिव की है ना समीर जी। अब प्रॉब्लम हो रही है कि मोदी ध्यान क्यों लगा रहे हैं?
देखिए, अगर मोदी ध्यान लगा रहे तो इन्हें तकलीफ होती है, मोदी जी अगर शांत है तो तकलीफ है, मोदी जी बोलते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। भाई विपक्ष को किसने मना करा? विपक्ष अगर चाहता है, ममता बनर्जी अगर चाहती तो ममता बनर्जी भी कहीं ध्यान लगा सकती थी, कहीं जाके अपना नमाज पढ़ सकती थी या वहाँ मुस्लिम वोटों के लिए कुछ कर सकती थी। शरारत किया आपने। राहुल गांधी के लिए किसने मना किया था? अगर राहुल गांधी चाहते तो राहुल गांधी भाई चले जाते, केदारनाथ चले जाते। प्रधानमंत्री मोदी अगर गए विवेकानंद रॉक पे तो राहुल गांधी भी केदारनाथ चले जाते। राहुल गांधी को तो वैसे भी कहा जाता है कि मौसमी पंडित है, जब चुनाव आते तो पंडित बन जाते, जनेऊ धारण कर लेते हैं, चले जाते राहुल गांधी भी। समय प्रियंका गांधी जा सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का जब उन्होंने कहा था कि मेरा इस शरीर का एक एक कण और समय का एक एक पल देश के लिए समर्पित है, तो वे बताते हैं कि मेरे लिए 24 घंटे भी आराम करना बर्दाश्त के बाहर है, मेरे में हर समय काम करते रहता हूँ, हर समय देश के बारे में सोचता हूँ और हर समय देश के कैसे आप प्रगति की ओर लेके जाऊँ, कैसे देश को विकसित भारत बनाऊँ, इसके लिए समर्पित रहता हूँ। आज देखिए सारे नेता कल प्रचार खत्म हो गया, चार दिन घर बैठते हैं, थकान मिटाते हैं, मसाज वाले को बुलाते हैं, बॉडी का मसाज कराते हैं कि बहुत थक गया, प्रचार अभियान हो गया है, कोई छुट्टी मनाने बाहर चला जाता है, कोई दिन चार। मुझे लगा अभी खबर निकालेंगे कौन कौन मसाज लग रहा है सर, ये राजनीति में अंदर का ले आए। और ऐसा भी स्थिति कि नेता दूसरे से पूछते हैं कि मैं बहुत थक गया था, तो कहते चलो अपन गोवा चलते हैं दो दिन, कोई बैंगलोर चला जाता है, कोई इनके बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए नेताओं के, वहां फार्म हाउस में जाके दो दिन आराम करते हैं कि जिसे मिलते नहीं है कि अब वोटिंग हो गई अब मैं आराम हूं। इन नेताओं को सीखना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से कि देश का प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार अभियान में रहा, दिन में दो दो तीन तीन रैलियां की। कल प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में आखिरी रैली का प्रचार किया था, 148 रैली प्रधानमंत्री मोदी ने किए इस चुनाव प्रचार के। मेरा नंबर है, पूरा बताता हूं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही प्रचार खत्म हुआ सीधे देश के लिए कि आगे मुझे क्या काम करना है, जब सरकार बनेगी कैसे आगे लेके जाना है, क्या करना है, उस ध्यान के अंदर चले गए। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आवास पर आराम कर सकते थे। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी में और देश के दूसरे नेताओं में क्या फर्क है। तो मान के चल रहा हूँ प्रचार ही कर रहे हैं, ये प्रचार का एक तरीका है भाई, वो सोच लिया, वो आदमी सोचा कि हाँ ये भी एक तरीका है। आप कर रहे हो ना साहब, कौन मना कर रहा है, क्या दिखा रहे हैं? देखिए एक तो कंसिस्टेंसी है, आप मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि आप सोचिए कि क्या कैसे भाई, नरेंद्र मोदी को पूजा अर्चना करना, ध्यान करना, ये कोई प्रचार का हिस्सा नहीं लगता। प्रियंका जी को प्रचार का हिस्सा लगता है। ये 30 तारीख को जाखू के हनुमान मंदिर में ये पूजा कर रही है प्रियंका जी, शिमला वाला, और बाकायदा देखिए आरती कर रही हैं, वहाँ पुजारी जी के साथ बैठी हुई हैं, ये उन्हीं के अकाउंट से है, ये कांग्रेस के खाते से मनी, तो ये भी आरोप लग जाता कहाँ से लेके आए। सवाल यहाँ ये है कि क्या आपको हिंदू मान्यताओं के साथ, हिंदू आचरण के साथ जीवन व्यवहार करना यह भी प्रचार लगता है क्या? नरेंद्र मोदी को नहीं लगता। वो प्रचार जब समाप्त हो गया तो अपने उस हिंदू आचरण के साथ वो जीवन व्यवहार कर रहे हैं। आपको अगर वो प्रचार लग रहा है तो आप भी करिए, आपको अगर लगता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पर इतनी हायतौबा बचेगी। यही लोग तो कहते थे ना राम मंदिर मुद्दा नहीं। एवर राव जी, हाँ देखिए, एक तो कंसिस्टेंसी है, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखेंगे, 2014 में उन्होंने शिवाजी महाराज जहाँ से प्रतापगढ़ जो जगह है वहाँ पे जाके पूजा अर्चना की थी, उसके बाद 2019 में उन्होंने उत्तराखंड में केदारनाथ गुफा में अर्चना की थी, अब यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी है, ऐसा नहीं है कि कोई वो अलग सी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री ज़्यादातर अपने जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उसको ज़रूर पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि फुल टाइम वो पॉलिटिशियन है, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। भाई कैमरा लग गया वहाँ पर, तस्वीर आ गई, तो ठीक है। वो स्पेशलाइज आप देखेंगे, वो बड़े सुंदर तरीके से शूट किया गया है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से शूट हो रहा है, तो वो बिल्कुल है कि उनके दिमाग में 24 घंटे कैमरा थोड़ी लगा है सर, आए उन्होंने बैठे शुरुआत में तस्वीर बन गई, मेरे ख्याल से उस पर बाकायदा एक फिल्म जैसी बनाई जाएगी। लेकिन एनीवे ये बात अलग है, लेकिन वो सोचते हैं, राहुल गांधी भी सोच सकते थे, बाकी नेता भी सोच सकते थे, उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसमें प्रचार नहीं है, वो तो खुद नहीं बोल रहे ना, वोट तो मांग नहीं रहे हैं या फिर ऐसा अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, पर उनका प्रचार हो रहा है, तो ये तो उनकी कला है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने बहुत मेहनत की है, इस बार अगर आप देखेंगे तो 200 से ज्यादा उन्होंने पब्लिक फंक्शंस किए हैं, 200 से ज्यादा। मैं बोल 192 रैलीज, 192 रैलियां मोदी ने की, 14 रोड शो किए, 80 इंटरव्यू दिए। और इससे बड़ी बात ये है कि जब देखिए 2019 में उन्होंने 145 ऐसे फंक्शंस किए थे, लेकिन तब और अब में, तब जो था जो डेज उनको मिले थे वो ज्यादा थे, इस बार डेज भी कम मिले जिसमें उन्होंने किया है। नहीं नहीं, इस बार तो मतलब पूरी तरह झोंक दिया भाई नरेंद्र मोदी ने अपने आप। अब इस बात को भी लोगों ने ये कहा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं मोदी, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 76 कुछ भी कही आप, 76 डेज में इतना सारा किया, बहुत सारा, बहुत जबरदस्त। देखिए तो मैं कंपेयर भी कर देता हूँ, नरेंद्र मोदी 192 रैलियां, राहुल गांधी ने 65 रैलियां की,
14 रोड शो किए नरेंद्र मोदी जी ने, 4 रोड शो किए राहुल गांधी ने, 80 इंटरव्यू दिए नरेंद्र मोदी ने, एक भी इंटरव्यू नहीं दिया राहुल गांधी ने। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे जहां तक पता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने 107 पब्लिक फंक्शन अटेंड किए और प्रियंका गांधी ने 108 पब्लिक फंक्शन, 108 रैलियां। तो इस तरह वो अलग अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले, देखिए उन्होंने एक दिन में कई बार 5-5 फंक्शन किए और देश के अलग अलग हिस्से में भाई। एवरेज जो है, मतलब एवरेज ये है कि उन्होंने एक दिन में 3-3 की, तो बहुत मेहनत की उन्होंने इस चुनाव के लिए। और ठीक है, ठीक है, आपकी सार किसी का अपना तरीका होता है, कोई घूमने चला जाता है विदेश, कोई ठंडी हवा खाने चला जाता है, तो ये उन्होंने कहा मैं जाकर के ध्यान करूंगा। लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही चले गए। वहां पर जो विवेकानंद रॉक है, वहां पर विवेकानंद जी ने जब ये ध्यान किया था तो उन्होंने देश में भारत को कैसे विकसित बनाया जा सकता है इस बारे में। साहब इसमें भी प्रॉब्लम है, कल बीजेपी के हैंडल से या क्या, हाँ बीजेपी के हैंडल से ये पोस्ट किया गया कि इसी जगह पर नरेंद्र ने ध्यान करने के बाद, नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान करने के बाद वो शिकागो गए थे, वहां जाकर उन्होंने भाषण दिया था, वर्ल्ड फेमस भाषण रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उसके बाद से दुनिया ने उनको स्वामी विवेकानंद के तौर पर जाना। सिर्फ और अब नरेंद्र यहाँ जा रहे हैं। इतना ही नहीं है सौरभ जी, यहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की, नई तस्वीर चल रही है, मतलब वो समुद्र पूजन भी उन्होंने किया है, नंगे पैर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समंदर किनारे और जल अर्पित करते हुए, तो समुद्र देवता हमारा तो हर चीज में देवी देवता की परिकल्पना की गई, वहाँ समुद्र देव की भी वालों की भी आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल नई तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, तो उसमें कहा गया ये क्या, किसने, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने लिखा कि ये तुलना कैसे कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद नरेंद्र थे तो उनका नाम से नाम जोड़ करके नरेंद्र, अब नरेंद्र मोदी से तुलना, ये कैसी अटपटी तुलना है। नहीं, मुझे लगता है कि तुलना तो तभी होती है जब आप किसी राह पर किसी मार्ग पर चल रहे होते हैं, तभी आप कहते हैं ना कि अच्छा चलो 200 किलोमीटर चल लियो, 200 और चल दोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे, या 400 और चल दोगे थोड़ा और आगे पहुंच जाओगे। आप जिस राह पर हैं नहीं तो वहां कोई नहीं कहेगा, पहले तो ये स्पष्टता समझना चाहिए। तुलना उसी तरफ होती है जब कोई व्यक्ति उस तरफ बढ़ता है, जैसे ठीक है भाई सीताराम येचुरी प्रकाश करात के लिए कोई कहेगा कि ये माओ हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए तो कोई स्वामी विवेकानंद ही कहेगा ना। आप भी शरारत बहुत ना ये वाला फैक्ट है कि आप जब देखेंगे कांग्रेस के लोग भी तो अपने पुराने कांग्रेसियों उन्हीं के साथ तुलना करते हैं ना लोग। लेकिन क्या कोई कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक जैसा हो सकता है, ऐसी तुलना आपने कभी सुनी क्या? नहीं सुनी होगी। जिस पार्टी के स्तंभ थे लाल बाल पाल, जिस पार्टी के लोगों ने हिंदू स्वराज्य की, हिंदू एक मतलब अब देश में गणेश चतुर्थी तो सब जगह मनाई जाने लगी, जिसकी स्थापना ही की थी हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, जिस कांग्रेस के नेताओं, हाँ आप आए ना पॉइंट पे, अब नहीं आप कर रहे, ये हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए कर रहे हैं मोदी, ये आरोप है। तो ये आरोप कहां, ये तो सच है। नहीं ये भी, ये ध्यान भी, ये भी वही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे एकनाथ रानाडे को द्वितीय सरसंघ चालक डॉक्टर गुरुजी गोलवलकर साहब ने कहा कि आप जाइए जरा करिए, क्रिश्चियन मिशनरीज वहां क्रॉस लटका के कहीं यहां चर्च बनाएंगे। बताइए जिस शिला पर हमारी पौराणिक मान्यता है कि कन्याकुमारी यानी जब देवी पार्वती का शंकर जी से विवाह नहीं हुआ था उनके लिए जिस शिला पर तपस्या की हो, जिस जगह पर नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जो हो गए जिन्होंने दुनिया में भारत का, भारत के ज्ञान का, हिंदू जो एक दर्शन है उसको स्थापित करने का काम किया, वहां से किया हो, वहां के बारे में कौन बात करेगा, वहां के बारे में कौन बात करेगा जो उस तरफ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, मैं और आप बताइए, मैं संकट समझा दूं ना। हाँ बोलिए। एक लाइन, जिस दक्षिण भारत में है और जो कांग्रेस की सहयोगी है, क्या स्टालिन को लेकर राहुल गांधी जा सकते हैं क्या कि जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, नरेंद्र ने किया था, आज हम भी करें? स्टालिन डिक्लेयर तो करें वो कौन सा धर्म मानते हैं, डिक्लेयर तो करें वो धर्म कौन सा मानते हैं, यही मुश्किल है। जो आपने कहा ना डिक्लेयर तो करें ना, इनमें से किसी नेता का बताइए जो डिक्लेयर करके आ सकता हूं, कहे भले देव उसके नाम में हिंदू लगा हो सकता है लेकिन उसका आचार विचार व्यवहार जीवन पद्धति वो कैसी है। जब वो ऐसी जीवन पद्धति होगी तो लोग तुलना करेंगे, जिनको नहीं लग रहा है कि नहीं होना चाहिए वो नहीं करेंगे। भाई मैं आपको बताऊं संकट क्या है, संकट ये है नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए ध्यान करने चले गए, वहां सामने ओम बड़ा बड़ा लिखा है, ओम के सामने नतमस्तक है, ध्यान कर रहे हैं, ओम पर ध्यान करते हैं बहुत लोग, तो वहां दिक्कत यह है कि ये मैसेज जा रहा है वहां से, देखो मेरा प्रधानमंत्री हिंदू, हिंदू मान्यताओं को मानने वाला मेरा प्रधानमंत्री, हिंदुओं का रक्षक मेरा प्रधानमंत्री, सनातनी हिंदू मेरा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी तो 2014 में बने, 2001 में मुख्यमंत्री बने, उसके पहले तो प्रचारक रहे थे, तब भी वो खुलकर कहते थे कि मैं हिंदू हूँ,
जब मुख्यमंत्री बने और जब उनसे पूछा गया, जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद आठवें दिन एक मंदिर सोमनाथ मंदिर गए थे पहली बार दर्शन करने, वहाँ 4-6 घंटे उन्होंने पूजा की थी नरेंद्र मोदी ने, 7वें दिन चले गए थे तो उनसे कहा गया कि आप सीधे सोमनाथ मंदिर में 4 दिन 5 घंटे के लिए चले गए, तो बोले मेरे आस्था का केंद्र है, मैं हिंदू हूँ, मुझे जहाँ लगेगा कि मुझे जाना है हिंदू धर्म के मंदिरों के लिए मैं वहाँ जाऊँगा। उस समय भी बवाल मचा था कि आप हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हो। मोदी जी ने कहा था मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री के रूप में मेरी जो प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी है वो मैं बिना भेदभाव के, बिना किसी का धर्म देखे निभाऊंगा, सबका विकास करूंगा, लेकिन मेरी आस्था हिंदू धर्म में, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू मंदिर जाऊँगा। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जाते रहे, 2014 के बाद से प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगते रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातों का भी छुपाया नहीं, वो स्वीकार करते कि मैं हिंदू हूँ सनातन धर्म का। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी के कारण जो हिंदू जाने वाले हिंदू लोग हैं उनका भाजपा के प्रति रुझान बड़ा है। देखिए अब कोई लिख रहा है नरेंद्र मोदी, अब कोई लिख रहा है, अब कोई लिख रहा है मोदी विरोधी, प्रशांत भूषण लिख रहे हैं कितने कैमरे लगवाए इस भगवान का अवतार कहने वाले शख्स ने, कितने कैमरे लगवाए, उसमें क्या दिक्कत है, उनको पता है कि मीडिया को यूज कैसे करना है, आपको भी पता होना चाहिए कैसे यूज करना, किसने रोका थोड़ा है। अगर राहुल गांधी किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ कि वो बताते हैं कि मैं इधर जाके ध्यान करूंगा या इधर जाके जो भी करूंगा, मैं करूंगा किसी भी धर्म को माने वो करूंगा, तो क्या वहाँ कैमरा नहीं जाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे। देखिए ये यूज करने वाली बात है, आपके दिमाग में नहीं आई तो अब आप रो रहे हैं, आपके दिमाग में आ जाती तो आप भी करते। वैसे तो मैं बताऊं मुझे तो लग रहा है इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ यू नो इवन इसमें प्रचार के लिए, ये तो अगर ये चुनाव के बीच में भी करते तो भी फायदा होता है, तो भी फायदा होता। मैं क्या कह रहा हूं देखिए इसको जरा समझिए, आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि एक व्यक्ति, और इसको जब सुनेंगे अभी लोग तो आप लोगों के लिए अच्छा मसाला है, आप इसको कट करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, एक व्यक्ति जिसकी ऊर्जा को लेकर इतनी चर्चा होती है, पत्रकारों के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि वो पूछ लेते हैं आप थकते क्यों नहीं, आप में इतनी ऊर्जा कैसे है, अगर वो व्यक्ति इतने लंबे समय तक इतनी सभाएं, इतने कार्यक्रम, इतने साक्षात्कार, इतने तरह के जो कार्यक्रम उन सब में शामिल होने के बाद योजना बनाता है, और उसके बाद उसको लगता है कि अभी 1 जून के बाद जब मतदान हो जाएगा और 4 जून को जब परिणाम आ जाएगा तो हमें तो फिर से उसी राव में उसी जगह जाना है, वो अपनी ऊर्जा संचित कर रहा है। हम तो ध्यान को मानते ही यही है कि वो हमारे ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संचय का सबसे प्रमुख साधन है। कहते हैं कि जब आप बोल रहे हैं तो आप ऊर्जा का ह्रास कर रहे हैं, जब शांत होते हैं तो शरीर मन, जो इसको कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, उसको जो शांत चित्त करने की बात है वो कर रहे हैं, और इसमें मुझे कोई गलत नहीं दिखता। और प्रधानमंत्री हैं तो कैमरा तो उनके साथ रहेगा ही, और प्रधानमंत्री छोड़िए हम लोग सामान्य लोग हैं तो भी तो अपनी सेल्फी चलती रहती, मानते कहां। मैं तो इसमें क्लियर कर रहा हूं, राहुल गांधी कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते पूरे मीडिया का टेंशन उनका भी दिखाया जाता टेंशन, और वैसे भी देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो बिना बताए तो नहीं जा सकता ना कहीं, वो हल्ला मच जाएगा प्रधानमंत्री गायब हो गए, राहुल जी चले जाते हैं बिना बताए, वो ठीक है उनका भी हल्ला मचता है राहुल गांधी का नहीं, राहुल जी का एक बार प्रधानमंत्री जो वो किसी भी देश का के साथ वो जंगल वार जो हां हां एक बार तो एक बार बिना जंगल में फिल्म शूट करने जंगल में शूट हुआ था उनका, वो जब हुआ था ना बड़ा खड़ा, लेकिन वो सैड डे था उस दिन, हाँ, मतलब वो बहुत गोपनीय था, हालांकि बाद में वो जानकारी बाहर आ गई थी, तो ऐसा नहीं कि गए थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है और मोदी भी जानते हैं कि जैसे और ऐसा नहीं सर कि उस वक्त भी उस वक्त ऐसा थोड़े कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनकम्युनिकेट हो गए थे किसी, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, अरे पूरे टाइम मीडिया की नजर में नहीं थे, पूरे टाइम वो हर चीज को टच में था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि जिससे लोगों में धार्मिकता बढ़ती जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का लोगों के प्रति रुझान बढ़ता जाता है, जो जितने धार्मिक बनते हैं उतना धार्मिकता बढ़ती जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा, ये कोरिलेशन है। और मोदी और मंदिर ये 2014 से एक ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को माना जाता है कि भारतीय संस्कृति के जितने मंदिर है उनका पुनरुद्धार प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और इसलिए मोदी के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा जाता है। अब अमित शाह तिरुपति गए, उन पे तो किसी ने हल्ला नहीं मचाया कि अमित शाह तिरुपति क्यों गए, सपत्नीक गए हैं, बड़े सुंदर चित्र भी उन्होंने साझा किए हैं, गए हैं वहां भाई काम हुआ, और हम लोग ये मानते हैं। अभी कल दर्शन करके आए अमित शाह वाराणसी में, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आए, तो आप जिस मान्यता जिस व्यवहार के साथ होते हैं उसको जीते हैं, जो लोग उस मान्यता को सिर्फ ओढ़ते हैं कवर के तौर पर दिखाते हैं, या जिसको कहें कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले जो सावरकर कहा करते थे, तो शायद उनके अब जैसे राहुल गांधी ध्यान करते हैं ऐसा उनके लोग बताते हैं, बैंकॉक भी ध्यान करने के लिए जाते हैं, तो वो तो नहीं किसी को आकर के दिखाते मेरी तस्वीर खींची देखो मैं यहाँ पर ध्यान कर रहा था, ये आरोप लगता है तो मोदी जी प्रचार कर लेते हैं उसको, नहीं, किसी ने रोका थोड़ा कि बता के जाएं कि कहाँ जा रहे हैं,
और ये अच्छा होगा भाई अगर इतना प्रभावी ध्यान है। यहां जा रहा हूं। हालांकि नहीं, लेकिन कम से कम लोग ध्यान करने तो राहुल जी वाली जगह नहीं जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि देखिए जो समीर जी ने कहा कि वो जंगल में चले गए थे प्रधानमंत्री, और देखिए चुनाव के इतर कहीं जाना और चुनाव के दौरान कहीं जाना बहुत फर्क है। सही बात है, चुनाव के दौरान पूरी आईज होती हैं, पूरी आंखें लगी होती हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ है, फलाना नेता कहाँ है, ये नेता कहाँ है, सब कुछ लगा होता है। राहुल गांधी कहाँ है पता नहीं। वैसे पंजाब में उन्होंने रैली की थी कल, मेरे ख्याल से पंजाब में थे प्रचार करने के लिए। अब प्रचार अब नहीं रहा, तब प्रचार तब हो नहीं रहा ना। तो अब तो राहुल गांधी को कोई से एंगेजमेंट रखनी चाहिए थी अब तक, यहाँ पे मैं दिखता तो रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोलते कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ आज बताते। अब ऐसा भी है ना कि उन्होंने जब वो क्या बोलते हैं संतरे या फिर वो तोड़े थे तो उन्होंने वीडियो जारी किया, मार्मलेट बनाया था, मार्मलेट सबने चलाया था, ऐसा थोड़ा कि नहीं सबने चलाया था। बोले क्या थे ये अलग बात है, वो अलग चीज है, पर चलाया था ना सबने चलाया था। तो फिर अगर कुछ और करते और वीडियो जारी होता तो चलाते सारे। चलिए साहब एक ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पर। दादी वाला एल्बम, पिताजी वाला एल्बम, सब दिखाया ना। कौन सी चीज नहीं दिखाई मीडिया ने? आप करिए, कुछ भी नया करेंगे मीडिया दिखाएगा। आप कुछ भी इंटरेस्टिंग करेंगे मीडिया दिखाएगा। रिंच पेचकस लेके चढ़ गए थे वो मीडिया ने दिखाया। आपको लटके मीडिया ने दिखाया। राहुल गांधी जब ध्यान में जाते तो इसे ध्यान में जाते हैं कि सोनिया गांधी को भी मालूम रहता कहाँ रहते हैं। वो पहले अलग रहते, अभी तो दस जनपद में रह रहे राहुल गांधी जी, पहले अलग मकान में रहते थे। दो दिन सोनिया गांधी से मुलाकात हुई तो सोनिया गांधी अचानक सुबह घर पहुंच गई राहुल गांधी से मिलने, तो मालूम पड़ा कि वो तीन दिन से घर पे नहीं आए। तो सोनिया गांधी ने प्रियंका से पूछा कि कहाँ है राहुल, तो प्रियंका ने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ है। अहमद पटेल से पूछा तो अहमद पटेल ने कहा मुझे भी नहीं मालूम है। तो वैसे गायब होते कि घर वालों को भी मालूम नहीं होता वो कहाँ चले गए। मालूम पड़ा कि वो तीन दिन आराम करने बैंगलोर गए। खबर नहीं कि मैं मानता नहीं हूं ऐसा। गृह मंत्रालय ये बात तो कह चुका है, अमित शाह जब गृह मंत्री थे वो कह चुके कि बिना बताए जाते हैं, इनकी सुरक्षा की चिंता रहती है, ये होम मिनिस्टर को बताते नहीं कहाँ जाते हैं, ये सिक्योरिटी को बताते नहीं है, और सबको छोड़कर अकेले चले जाते हैं। ये लिखित में गृह मंत्रालय कह चुका है। समीर जी मेरा आपसे बहुत मतभेद है, पर्सनल लाइफ भी कोई चीज होती है, वो कहीं अगर एकांत में जाना चाहते हैं, कोई भी जाना चाहता है, हम आप भी जाना चाहें, हमारे आपके पास सुविधा हो हम लोग भी जाएं, तो मुझे लगता है इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर्सनल उनकी लाइफ है जाएं, इस पर थोड़ा सा ये अलग मसला है। नहीं नहीं ठीक बात है।